आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो बहुत सारे वो जो पाउडर वाले मिलते हैं जूसेस, जैसे टैंक वगैरह होता है या ग्लूकॉन डी वगैरह होता है, ये सब लेकर के आते हैं और अपने बच्चों को देते हैं। तो घर पे ही बना लीजिए ये टैंक वाले पाउडर, बहुत ही नेचुरल ढंग से, बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर और साथ ही साथ बिना किसी फ्लेवरिंग एजेंट के। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल करिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले अपने पसंद के सारे फ्रूट्स ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है संतरा, ऑरेंज, वाटरमेलन और पाइनएप्पल। इसमें मैंने सारी चीज़ें जो हैं कट कर ली हैं। पहले अच्छी तरह से धो लिया था, संतरे के छिलकों को निकाल लिया है, वाटरमेलन को भी पीसेज में कट कर लिया है और पाइनएप्पल को भी पीसेज में कट कर लिया है। हमारे पास है ये जूसर, कोल्ड प्रेस जूसर, जिसमें कि हमने सारे जूसेस निकाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, मिक्सी जार में भी आप डाल करके निकाल सकते हैं। मिक्सी जार में आप फ्रूट्स को डालिए, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, जूस निकालिए और छन्नी से छान लीजिए, तो जो आपको मिलेगा वो आपको जूस मिल जाएगा। जो पल्प होगा उसको आप अलग कर दीजिए। प्रपोर्शन ये रखना होता है कि जितना भी आपका जूस आपका निकला है, एक मेजरिंग कप या कटोरी कोई भी चीज़ ले लीजिए नापने के लिए, जितना आपका जूस निकला है बिल्कुल उसी के बराबर में आपको इसमें चीनी मिलानी होती है। चीनी की क्वांटिटी देख करके डरिएगा नहीं, इससे ज़्यादा चीनी आप उसमें खाते हैं और पीते हैं जो आप बाज़ार से लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आपको ये नहीं पता होता है कि उसमें लिखा तो होता है लेकिन आपको नहीं पता होता है कि उसमें ये, जैसे आपने अभी तो नेचुरली ना बिल्कुल आपने जूस को अपने सामने अपने घर में निकाला है। साथ ही साथ इसमें हम लेमन जूस भी डाल देंगे। तो पहले वाले में ऑरेंज जूस में तो मैंने एक लेमन जूस पूरा गाढ़ा है उससे निकाल लिया है, अब इसके बाद हमने उसी में डाल दिया था, जूसर में ही डाल दिया था। लेकिन अगर आप मिक्सी जार में डाल रहे हैं तो आप ऊपर से ही डालिएगा, नींबू को अगर आपने पिसा तो वो कड़वा हो जाएगा आपका जूस। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो कि ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे, ओ माय गॉड मैम आपने इतनी ज़्यादा चीनी यूज़ की है, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, डायबिटीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा चीज़ें, इससे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ वो होती है जो आप बाज़ार से लेकर के आते हो, जो पैक्ड जूसेस आप पी रहे हो ना, या जो पैक्ड पाउडर्स आप लेकर के आ रहे हो, उसमें कोई जूस वगैरह नहीं होता है, उसमें सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, भर भर के चीनी होती है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर और बहुत सारा प्रिजर्वेटिव मिला होता है। तो उससे बेटर है कि आप अपने घर में ही ये चीज़ बना लो, डेली आप ना दो ना आप खुद पियो, कभी कदार पियो। आई एम नॉट इन मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कन्विंसिंग यू कि ये चीज़ बहुत ही हेल्दी है, लेकिन ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि आप बाज़ार से लेकर के आते हो, उससे बेटर है कि आप इसको घर पे बना लो। और जब आप इसको घर पे बनाओगे ना, तो जब आप इसको पियोगे तो आपको खुद से फ़र्क पड़ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है इसमें और जो आप पैक्ड लेकर के आते हो। सारे जूसेस हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद चीनी मिलाने के बाद कोई भी थाली या प्लेट ले लीजिए बड़े साइज़ की, बिल्कुल पतली पतली परत इस पे डालनी होगी, बिल्कुल पतला पतला इसको हमें फैलाना होगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको हमें सन ड्राई बिल्कुल नहीं करना है, धूप की रोशनी में इसको बिल्कुल नहीं रखना है, पंखा चलाइए और इसको रख दीजिए। और इसको सूखने में कम से कम 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो थोड़ा आपका जो ड्राइंग मतलब जहाँ भी आपने डाइनिंग टेबल रखा होगा ना, वो थोड़ा मैसी लगेगा। 5 से 6 दिन के बाद देखिए इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये सारा देखिए, मैंने अभी तक इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, ये सारा नेचुरल कलर है। ये पाइनएप्पल था, वो ऑरेंज था और ये वाटरमेलन है, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी चीज़ अभी तक आर्टिफिशियल नहीं पड़ी है, सिर्फ चीनी है और जूस है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा, स्क्रैच कर लीजिएगा थाली में से, और इसके बाद इसको जो है हमें पिस लेना है। जब आप इसको सुखा रहे होंगे तो भी डेली आप याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहिएगा, सुबह शाम 1-2 बार इसको ज़रूर चला दीजिएगा, जिससे कि ये जो सूखने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऊपर की जो परत है ना वो तो सूखने लग जाएगी, नीचे की परत गीली रह जाती है। तो उसको जब आप स्क्रैच करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। मिक्सी में भी एक लगातार नहीं चलाइएगा, रुक रुक करके चलाइएगा, तो बहुत ही फाइन सा अच्छा सा पाउडर आ जाएगा। ये देखिए ऑरेंज है हमारा, कितना प्यारा कलर लग रहा है, इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं
डाला है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने इसमें अभी तक कोई भी नमक वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इसको आप कभी भी जो है व्रत वगैरह में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें चाट मसाला या नमक वगैरह डाल देंगे तो हम व्रत में इसको नहीं पी पाएंगे, या कोई आपके यहाँ आया और उसका व्रत हुआ तो आप उसको एकदम नेचुरल ये चीज़ अपने यहाँ की घर की बनी हुई पिला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे ढंग से आपने इसको बनाया होगा। नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से या जिसको भी आप दे रहे हो उसके टेस्ट के हिसाब से ऊपर से आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये पाइनएप्पल का निकल गया है और इसके बाद हम वाटरमेलन का कर लेंगे। सारी चीज़ें पिसने के बाद एक कांच का अगर जार लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, उन सब में इसको भर करके रख दीजिए। आई वुड प्रेफर कि इसको आप फ्रिज में प्रिजर्व करिएगा तो ज़्यादा दिन तक ये चल पाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डाला है, तो इसीलिए अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपके ये पाउडर चल जाएंगे, और पूरी गर्मी तो एक बार आप बना लीजिए तो पूरी गर्मी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि मेरे ये पाउडर अच्छे खासे सफिशिएंट तैयार हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा। तो लीजिए, हमारे सारे ये तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको ग्लासेस में डालेंगे। आप पानी से डालना चाहे पीना चाहे पानी ले लीजिए, सोडा वाटर डालना चाहे सोडा वाटर डाल लीजिए। तो वाटरमेलन वाला मैंने प्लेन वाटर में किया है, आइस क्यूब वगैरह डाल दी है, और जो पाइनएप्पल और ऑरेंज था उसको मैंने सोडा वाटर में डाला, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था, और जब बच्चों को पिलाया तो बच्चे कह रहे थे लग रहा है मम्मा जैसे रियल हम बिल्कुल मतलब जूस पी रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि आपने इसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाया है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की जो ये रेसिपी है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब आप ये पाउडर बना करके रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आप भी ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हेल्दी तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अच्छी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम बाजार का जूस पिलाने से बेटर है कि आप घर पे बनाइए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।